सो गाइस, पहले के समय में झुर्रियां और फाइन लाइंस को बढ़ती उम्र का लक्षण माना जाता था, जो कि 40 के बाद आना स्टार्ट होता था। बट अभी के समय में आप खुद देख सकते हो कि कम उम्र में ही झुर्रियां और फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाता है। कम उम्र में फेस पर रिंकल्स होने के कई सारे वजह हो सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, झुर्रियों को दूर करना काफी मेहनत वाला टास्क है, इसलिए आपको काफी ज्यादा पेशेंस के साथ मेरे बताए हुए तरीकों को आजमाना है। और आप खुद देखोगे एक हफ्ते में ही आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। साथ ही अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आंख, मुंह और गर्दन में फाइन लाइंस, फेशियल स्किन में ढीलापन, होठों के पास और आंखों के पास डीप रिंकल्स, ये सारी झुर्रियों के कुछ खास लक्षण होते हैं। बढ़ती उम्र में तो कई लोग झुर्रियों का शिकार होते हैं, लेकिन अगर आप कम उम्र में झुर्रियों का शिकार बने हो तो इसका कारण हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा तनाव में रहते होंगे, या फिर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी, या फिर आप बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज करते होंगे, या फिर स्मोकिंग, पॉल्यूशन, या फिर सूर्य की अल्ट्रा वायरस किरणें, इन सारी चीजों की वजह से हमारे फेस पे बहुत ही जल्दी फाइन लाइंस और झुर्रियां आती हैं। मैं जो आपके साथ होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। इसे आप खुद देख पाओगे 2 दिनों में इसका रिजल्ट, और ये 2 स्टेप्स में आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। इसके साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल में ये कि आप जब भी बाहर जाते हो तो सबसे पहले याद रखना कि SPF 30 हो, जिसमें वो वाला आप सनस्क्रीन यूज करना। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा पीना, मतलब कि 12 ग्लास तो आप पानी पीने की जरूर कोशिश करना, कि ये हमारे शरीर में अंदर से ग्लो लाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या करना है आपको, आपको अपनी नींद पूरी करनी है, कम से कम 8 घंटे की नींद, क्योंकि इसीलिए नींद को ना ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं, तो नींद आपको पूरी करनी है। ठीक, 4 विटामिन सी आपको जरूर लेना है अपने खाने में। मैं आपके साथ ना डाइट शेयर करूंगी, यहाँ पे मैं सारा चार्ट लगा दूंगी ग्लोइंग स्किन के लिए, ये सारी चीजें मैं आपको लगा दूंगी, आप साइड में देख लेना। ये सारी चीजें आप खाओगे ना तो आपके स्किन में ना कोलेजन बनेगा और इलास्टिसिटी बेहतर होगी आपकी स्किन की, जिससे आपकी स्किन बहुत ही लंबे समय तक जवान नजर आएगी। ठीक है, होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, चलो पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, तो इस फेस टाइटनिंग क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है दही, तो 2 चम्मच आप दही ले लेना, क्योंकि दही हमारे स्किन के सनबर्न पिगमेंटेशन को बहुत ही आराम से दूर कर देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड ब्राइटन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल ले लेना है आपको और इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। मिक्स करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो पेशेंस के साथ 2 मिनट आप टाइम देना और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार यूज करना है। ठीक है, 2 बार कर लेना, ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज कर लेना। यूज करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता दूं। आप अपने मेकअप वाले स्किन पे भी अगर इसे यूज करोगे ना, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आपके मेकअप को भी दूर कर देगा। और अगर आप अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको और भी अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो फेस को क्लीन करके अपने फेस पे लगा लेना और अच्छे से अपने पूरे फेस पे 5 मिनट के लिए आप मसाज देना। जो भी टेक्निक्स आती है ना आपको मसाज के, सारा आप यूज कर लेना। ठीक है, सारे तरीके आजमा लेना। अगर आपको मसाज करने का तरीका नहीं पता है तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप वैसे कर लो। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको करना है। ठीक है, अच्छे से बहुत ही धीरे धीरे जेंटल तरीके से आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, अपने जो लाइन के पास, अपने माउथ एरिया में जहां जहां फाइन लाइन है। उसके बाद 10 मिनट तक छोड़ देना अपने फेस पे, उसके बाद वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आप खुद देखोगे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लीन नजर आएगी। और असली जादू तो अब है। सेकंड आपको क्या करना है, हर रात जब आप सोने जाओ, किसी भी समय में आप सोने जा रहे हो, ठीक है, एलोवेरा जेल लेना और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, बिल्कुल मेकअप नहीं होना चाहिए।
अपने स्किन को वॉश करना और एलोवेरा अप्लाई कर लेना, अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा लेना, ठीक है। एलोवेरा को आपको लेकर के 2 मिनट के लिए पूरे चेहरे पे ऊपर की तरफ या फिर गोल गोल आराम से सर्कल वाइज भी आप कर लोगे ना तो हो जाएगा, आप कर लेना। और उसके बाद मसाज करने के बाद आप सो जाना, ठीक है। सुबह जब आप उठोगे ना तो आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्लीन नजर आएगी और डे बाय डे आपके फाइन लाइंस कमना स्टार्ट हो जाएंगे, झुर्रियां कमना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।